नमस्ते एंड वेलकम टू अंशू पी यू फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि हम हैं कैब में और हम जा रहे हैं मम्मी के घर दिल्ली कैंट। और दिल्ली कैंट जाना मतलब ऐसे सैटरडे को ही क्यों गए, क्योंकि वेडनेसडे को क्यों नहीं जा पाए? जिस दिन भाई दूज था, भाई दूज वाले दिन अब कि हम दोनों सिस्टर नहीं जा पाए दिल्ली कैंट मम भाई को टीका करने भाभियों को, क्योंकि हमारा पूरा परिवार मतलब कह लो बीमार था। और से ही हम लोग इतने बीमार कि मतलब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, घर में खाना पीना बनाने के लिए भी इतना मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा था। मम्मी भी बीमार थी, जीजा जी, बच्चे अभी भी मतलब तबीयत सबकी पहले से बेटर है, बहुत फ़र्क है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब बॉडीज पे कमजोरी आ गई है, कह लो जिस टाइम पे कोरोना आया था ना, वो कोरोना को हमने पार कर लिया। पर पता नहीं कोई सा कह रहे फ्लू आया हुआ है, वायरल चारों तरफ फैला हुआ है, बट उसको पार करना हमारे लिए मुश्किल ही नामुमकिन हो गया था। इतने ज़्यादा हम लोग वायरल में मतलब पड़ चुके थे, घर के हर बच्चा बड़े मतलब सब जा रहे हैं फ्रेंड्स मम्मी भाइयों को टीका करने। अभी 4 डेज हो गए, मतलब 3 डेज हो गए हैं भैया दूज हुए हुए, तो हमने टीका नहीं किया था। और एक मेरी भाभी का भी ना अभी कल ही परसों वीरवार को एक्सीडेंट भी हो गया है, वो अपने ऑफिस से आ रही थी, उनका भी हालचाल लेके आएंगे। उनको काफ़ी लग चुकी है पैर में, तो जब मैं उसी डेट तो नहीं जा पाई, बच्चे बीमार थे, कल भी नहीं जा पाई, तो आज हम टीका भी करेंगे जाके। और साथ में क्या कहते हैं भाभी भैया से भी मिलके आएंगे, हॉस्पिटल में है भाभी और बच्चे। अभी अंशु की भी तबीयत कुछ ऐसी है, बट जाना भी ज़रूरी था, आगे टाइम बढ़ता जाता और फिर दिन बढ़ जाते तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसी मारे थोड़ा सा टाइम निकाल के जा रहे हैं। अब हम आपसे वहीं मिलेंगे। और मेरी छोटी वाली सिस्टर भी वहीं आई भी है रहने के लिए 15-20 डेज के लिए अपना बेटा लेके अभियान को। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, आपसे मिलते हैं दिल्ली कैंट। दादी नहीं दिख रही, पापा जी नहीं दिख रहे, और बाबू कोई नहीं दिख रहा, घर वाले कहाँ गए, दादी कहाँ है, दूर से हाँ दादी कहाँ है, पापा जी कहाँ है, बुआ कोई नहीं दिख रहा, या अलग अलग लोग दिख रहे हैं, नानी दिख रही है, मौसी और मामी दिख रही है, मामा। फ्रेंड्स समोसे खा रहे हैं, जल्दी आ जाओ आप लोग भी खाओ। खाऊंगी फ्रेंड्स बहुत कुछ, मैंने 15 दिन तक मिस किया, सच्ची बता रही हूँ। हमने त्योहार वाले दिन भी हमने रोटी खाई और हमारे घर में बनती थी पूरियां, हमें पता हमने कैसे स्ट्रगल करके एक एक चीज छोड़ के अपने आप को ठीक किया। अब सब कुछ खाऊंगी, बहुत स्वाद है समोसा। मैं अपने भांजे को खिला रही हूँ, ये रो रहा है, इसकी मम्मी थोड़ा सा काम कर रही है, मामी काम कर रही है। तो फ्रेंड्स देखिए बड़े भाई के पास छोटा भैया खेली खेली कर रहा है, बड़ा भैया शर्मा के भैया भाई को नीचे छोड़ दियो, खटक दियो, है ना, मैं नहीं ले रहा। अन्नो गौरी शंकर मंदिर जाना, मत्था टेक के आना। आज थोड़ा सा जुकाम लग रहा है, क्योंकि क्या है ना अभी सर्दी बढ़ गई है, कैंट की सर्दी बहुत खतरनाक होती है। अभी नवंबर में ही कैंट में काफ़ी सर्दी पड़ने लग जाती है, कैंट एरिया खुला है, यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत है, इसलिए मैं भी अपने बेबी को लेकर घर जा रही हूँ अपने, उसके पापा मिस कर रहे हैं, उसके पापा कह रहे हैं नहीं है इसको ले आओ क्योंकि संडे ख़त्म है कल, उसके बाद उनकी छुट्टी नहीं है। तो मैं अपने जीजू और दीदी के साथ जा रही हूँ, पैकिंग चल रही है, पीयू मेरी हेल्प करा रही है, और शायद मुझे लगता है मुझे ब्लॉग बना लेना चाहिए, मैं भी अपना यूट्यूब पे अब चैनल ऑन करने वाली हूँ, सोच रही हूँ कि आजकल मैं ऑन कर लूँ, क्योंकि अब अभियान थोड़ा बड़ा हो रहा है, रोज़ की एक्टिविटी डालूँ ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे बच्चे को रखते हैं, क्या रखते हैं, जो वो खाएगा जो वो पिएगा, मैं सब कुछ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी कल जाते ही शेयर लॉग इन कर लूँ, बट अभी कुछ पक्का नहीं कह सकती, लेकिन करूँगी इतना पता है, कर लूँगी।
मौसी बा अजुआ 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 मम्मी के यहाँ पे मोर बंदर सब दिखाई देंगे आपको। वो देखिए मोर दो तो पूरा कितना मोटा है बंदर। हमारे सामने ना एक कोठी है पूरी, ये देखिए फ्रेंड पूरी पार्क की तरह कोठी है, ये मतलब इसमें जा नहीं सकते किसी की, मतलब ये देखिए पैरट आया, ये देखिए पैरट, ये देखिए दो दो पैरट, और उधर देखिए मॉन्कीज भी हैं, दिख रहे होंगे क्लियर नहीं आएगी क्योंकि ना मैं, ये देखिए मॉन्कीज। तो ये बहुत बड़ा गार्डन नहीं है किसी की, मतलब प्रॉपर्टी है पूरी कोठी है किसी की, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं अपने अमेरिका नहीं गांव नहीं अमेरिका लंदन वगैरह की है। आओ देखो फ्रेंड्स हमारा बाबू तैयार हो गया। हेलो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं नानी के घर से अपने घर, पहले मोसी को छोड़ेंगे फिर हम अपने घर जाएंगे, अभियान को छोड़ेंगे अभियान जाएगा हमारे साथ, हम पास ही पास रहते हैं मोसी के, थोड़ी दूर जा रहे हैं। जैसा कि मेरी फ्रेंड सिस्टर ने बताया है कि उस पर मेरा घर पास पास है, तो पहले नंद बाबा के घर से जा रहे हैं, नाना के घर से हम लोग जा रहे हैं। अभियान अब सर्दियों में नहीं आएगा, अब सर्दियों के बाद गर्मियों में आएगा, बड़े घर में गुरुजी हमारा बड़ा घर करेंगे तभी हम आएंगे, नहीं आएंगे। बस हमारी कैब आ गई है और अब हम अपने घर जा रहे हैं, तो पहले कैब आ गई उधम हो रखा था इतना उधम। बाय बाय। विश्व कप फाइनल क्रिकेट महोत्सव महोत्सव का महोत्सव क्योंकि है फाइनल्स। 1,20,000 लोगों का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जितना बड़ा मौका उतना बड़ा मंच, कितना बड़ा ये स्टेडियम है, तो फ्रेंड्स मैं मम्मी के घर से आ गई थी अपने घर, बच्चे सो गए और मैं भी सो गई, फिर इसके पापा गए अपने फ्रेंड के वहाँ पे फंक्शन में। फंक्शन क्या था, छठ पूजा का था, हमारे यहाँ पे जो नर्सरी पार्क है वहाँ पे छठ पूजा का प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने इनविटेशन दिया था तभी हम मम्मी के घर से भी टाइम से आ गए। फिर पीयू के पापा वहाँ इन्विटेशन में गए थे वहाँ पर छठ पूजा की, देखिए कितनी अच्छी तैयारी की गई थी, सारी लेडीज़ वहाँ पे छठ पूजा कर रही थी, और जिसका एक अलग ही महत्व होता है, मतलब इन जिन बिहारियों के लिए मतलब इतनी मानी भी है और इतनी मानता है छठ पूजा की, और छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पहले तो लोग करते थे और आजकल के लोग तो कल्चर को देख के हर कोई करने लग गया है जिनसे हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा कठिन व्रत होते हैं, कठिन इनकी परीक्षा पूजाएँ होती हैं, और ये पर्व उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और छठी मैया सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, छठी मैया सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, छठी मैया सब पे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो बोलिए छठ मैया की जय, छठी मैया की जय। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, मतलब चारों ओर जैसे हम लोग अपनी दिवाली मनाते हैं वैसे ये लोग छठ का पर्व मनाते हैं, जिसमें एक अलग ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जगह जगह बच्चों के खिलौने मिल रहे थे, गुब्बारे मिल रहे थे, और जगह जगह स्टॉल्स लगी थी खाने पीने की, गोलगप्पे वगैरह, बट
हर कोई नहीं खाता, जिनका व्रत होता है वो तो नहीं खा सकते, और जिनकी पूजा पाठ होती है वो तो अपने घर जाके ही, क्योंकि अभी ये जो अर्घ दिया गया है ये शाम का 4 बजे का अर्घ है, सूर्य नारायण भगवान को दिया जा रहा है, और एक सवेरे कल मतलब 29 नवंबर को दिया जाएगा, 21 नवंबर को जो सवेरे का अर्घ होगा, सूर्य उगने पे वो अर्घ दिया जाता है, तब तक ये जल में ही खड़े होते हैं और पूजा करते हैं, सूर्य भगवान जी की आराधना करते हैं, जिससे इनको जो मनोकामना होती है, मनवांछित फल मांगते हैं, वो सूर्य नारायण भगवान इनका पूर्ण करते हैं। तो देखिए कैसे लेडी से पानी में खड़ी होकर सूर्य नारायण भगवान का शाम का अर्घ दे रही हैं, और इसके बाद कल नेक्स्ट डे ये सुबह का अर्घ देंगी। तो जो फल फ्रूट होते हैं, जो मान्यता होती है, वो ये पूर्ण करते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े टोकरों में इनका सामान दिया जाता है, और जो जड़ जो उनके फल फ्रूट होते हैं इसमें वो सारा। फाइनली मम्मी के घर से आ गए थे और आके इतना सोए हैं, मतलब 4 बजे आए थे और 2 घंटा सो के, और आके फिर सीधा हम बैठे हैं अपने बेड पे और मैच लगाया, जिसमें हमारी इतनी बुरी हार हुई है ना, इंडिया की इतनी बुरी, पूरे 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है। जिन जिन लोगों ने इतनी उम्मीदें इंडिया से लगाई थी, सब चकनाचूर हो गई, सपना गया टूट। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीता वर्ल्ड कप और भारत ने नहीं जीता, तो कुछ नहीं होता, हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन जो हम लोग भी लगा के बैठे थे, हम बम पटाखे जलाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे, सब कुछ चकनाचूर हो गया, इंडिया आ गई हार। स्काई शॉट भी नहीं जला पाएंगे फ्रेंड, क्योंकि हमारी टीम इंडिया हार गई है। बट ऐसा चलता रहता है, हार जीत तो 2 पहलू है सिक्के के, कभी हार है तो कभी जीत है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्राइब की ज़रूरत भी है हमें। और हाँ, मैं ये इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ कि कुछ 15 डेज के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर मैंने ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, शॉर्ट्स नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ख़राब थी, पूरा घर ख़राब, मतलब ऐसा हो गया था तबीयत से, पूरा वायरल फैला हुआ था। अब थोड़े थोड़े ठीक है, बट मैं और अभी अंशु में वीकनेस है, और मेरे को तो खांसी बहुत ज़्यादा है, जो मुझे बनाने में दिक्कत हो जाती है ब्लॉग। तो इसी मारे फ्रेंड्स सॉरी मैं आपको ब्लॉग नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन बस आप कंटिन्यू ब्लॉग डालेंगे, आप रोज़ देखिएगा टाइम से, मैं टाइम भी बताऊँगी किस टाइम तक डल जाएंगे। तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स बाय, गुड नाइट, हरन महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।